गुड मॉर्निंग। आज खूबसूरत सुबह है मैसूरू में और मैं खड़ा हूँ कुकराहल्ली लेक के बाहर। इसको बनाया था मुम्माडी कृष्णराजा वोडियार ने 1864 में और मेरे को हो गए 15 मिनट। मेरे को लग रहा है मैं 1864 से वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मयूर को सुबह सुबह के कॉफ़ी का बड़ा शौक है लेकिन वो अभी तक आया नहीं। 20 मिनट से मैं यहाँ पर हूँ लेकिन थैंकफुली आंटी यहाँ पे आ गई हैं सुबह सुबह जो कॉफ़ी बनाती हैं। सिर्फ पिछले 4 महीनों में इन्होंने स्टॉल शुरू किया तो खड़े हैं मयूर के लिए वेट कर रहे हैं। कॉफ़ी का प्यार उसको यहाँ सूनर या लेटर ज़रूर लाएगा और गुड न्यूज़ ये है कि वहाँ पे जो है मुझे दिख रहे हैं कई लोग खड़े हुए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ले जाके, थोड़ा दूर है। वो सब वेट कर रहे हैं एक बड़ी खास खाने की आइटम के लिए जो सुबह सुबह डोसे मिलते हैं यहाँ पर, जिसको कहा जाता है दीपू गाड़ी होटल। तो प्लान था कि दीपू गाड़ी पे मिले, उससे पहले कॉफ़ी पिए, लेकिन ये मयूर का कुछ पता ही नहीं यार, बड़ा तंग बहुत करता है ये। गुड मॉर्निंग हैशटैग रोड ट्रिप विद आरएनएम एंड हिस्ट्री टीवी 18 सीजन 5 के डे 7 पे आपका स्वागत है। तो हम मैसूरू में और मैं सुबह सुबह उठा और यहाँ पे एक कुकराहल्ली लेक है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैं आया, मैंने खूब सारी एक्सरसाइज की और रॉकी भैया को मेरे को यहाँ मिलना था। 15 मिनट हो गए अभी तक आए नहीं। मैंने तो उनके लिए स्पेशली चाय भी बनवाई है क्योंकि देखो मेरे को तो कॉफ़ी एंड चाय दोनों अच्छी लगती है। रॉकी को इंडियन स्टाइल चाय, दूध चीनी मसाला बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उसको सरप्राइज़ करने वाला था। और आप पूछेंगे कौन सी वाली चाय? ऑफकोर्स रॉकी की फेवरेट डबल डायमंड चाय। इसका टैगलाइन है जरा सी चाय असर दिखाए। रॉकी भैया यानी मैं एक सिप ले लूँ तो उनको पता भी नहीं लगेगा। लवली यार चाय की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है यार। यार तेरे लिए स्पेशली चाय बनाई। मैंने सिप भी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सुच्ची है। मेरी चाय पीते हुए देखा मैंने तेरे को अभी। थोड़ा सा प्यार शेयर कीजिए, थोड़ी सी चाय शेयर कीजिए, जिंदगी यही होती है। मैं यार एक्सरसाइज करा था सुबह सुबह, मैंने योगा करी, फिर मैंने जॉगिंग करी, फिर मैंने वेट ट्रेनिंग करी, फिर मेरी आंख खुल गई। मैंने रियलाइज किया मैं सपना देख रहा था सुबह सुबह, बड़ा भयानक सपना था यार। वेरी गुड, आंख खुल गई ना? हां खुल गई। तो जो ओरिजिनल प्लान था ना दीपू गाड़ी पे आके यहाँ पे डोसे खाने का, वो जाके देखते हैं। वो पे वहाँ पे है ना जो गाड़ी आ गई है और खूब सारी लाइन लगी हुई है, जल्दी से जाके लाइन में लगते हैं। मैंने तो एक्सरसाइज कर ली, मैं बड़ा फिट फील कर रहा हूँ यार आज, बड़े अच्छे सपने होते हैं ये। तो एक्शन यहाँ पे फुल शुरू हो चुका है इस टाइम पर। काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लाइन वगैरह तो कुछ है नहीं लेकिन एक सिस्टम है और सिस्टम के मुताबिक सब लोग अपना खाना ले रहे हैं। मयूर सर भी कुछ ले ही रहे हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आइए इधर आइए आइए। हमने अपना ऑर्गेनाइज करके सब सेटअप रखा हुआ है। लवली इधर आइए सर, इधर आइए आप। यहाँ पे देखिए कोई सॉर्ट ऑफ सिस्टम होता है जो गूगल पे लिखा है कि 7:30 बजे खुलती है जगह दीपू गाड़ी। इनकरेक्ट, 8 बजे आते हैं और 10 मिनट के अंदर इनका जो है पूरा सिस्टम सेट हो जाता है, काम शुरू हो जाता है, तंबू लग जाता है। लेकिन अभी हो गए हैं ऑलमोस्ट 8:20, तभी आपको ये सारा सामान मिलने को मिलेगा। सुपर फ्रेश है, बहुत पॉपुलर है। पीछे क्राउड देखिए, कह रहे आज कम क्राउड है क्योंकि आज जो है त्यौहार है तो आज कम क्राउड है। और बता और बता बस। और बताना है प्लीज। अच्छा तो खास बात इसकी है कि सब कुछ फ्रेश बन रहा है वहाँ पर, गरम गरम डिलीवर हो रहा है यहाँ पर, और इसलिए इतने सारे लोग हैं क्योंकि जो फ्लेवर्स हैं एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। मजा आ गया ये सुबह सुबह खा के। ये देखिए इडली, गरम गरम तट्टे इडली निकाली बड़ी सारी, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन डाला जो एकदम पिघल गया है, गरम है, देख के हाथ मत चला लेना। ब्यूटीफुल। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए। तो ये है खासियत इस जगह की कि खाना एकदम फ्रेश, एकदम पॉपुलर। क्या सोख हुआ है मक्खन इडली के अंदर, एकदम दो जिस्म एक जान हो चुकी है। और इसके साथ मिलती थोड़ी सी चटनी और थोड़ी सी सब्जी जो कि बिल्कुल एक एक्साइटिंग फ्रेश फ्लेवर है। तो मसाला इडली, बड़ा तट्टे इडली विद बटर सेट डोसा, जिसमें से एक सेट भाई साहब खा चुके हैं, और वड़ा और चटनी। 18 साल पहले यह जगह शुरू की गई थी और जिन्होंने शुरू करी थी उन्होंने अपने बेटे, छोटे बेटे दीपू के नाम पर रखी थी। बड़े भाई हैं यशवंत, और यशवंत और दीपू अभी बैठे अंदर फटाफट खाना निकाल रहे हैं धड़ाधड़, और लोगों को सप्लाई हो रही है तड़ातड़। तो नो वेटिंग, ओनली एक्साइटमेंट। सर बेस्ट क्या लगा आपको ये बताओ मेरे को। फैंटास्टिक डोसा, लेकिन मेरे ख्याल से विनर यहाँ पे थट्टे इडली। रियली? बिल्कुल सॉफ्ट। मेरे हिसाब से डोसा बहुत ही एक्सेप्शनल है, बड़े प्यार से बनाया गया है, बहुत जल्दी बनाया गया है, लेकिन क्रंच एसेंशियल जो सो करने की क्षमता है उसकी वो, और बड़े बहुत ज़्यादा स्पेशल। तो अगर सारी चीज़ें स्पेशल हो
दो मेरे मुताबिक, दो इनके मुताबिक, तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा माल है। बेसिकली आप यहाँ पे आइए और सब कुछ जो है मेन्यू पे वो आप ऑर्डर कर लीजिए, आपके पॉकेट पे भी इतना भारी डेंट नहीं पड़ेगा। ये खाना स्ट्रीट फूड है, बहुत अफोर्डेबल है, हॉट है, फ्रेश है, उसी टाइम मिलता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन 11 बजे बंद हो जाता है। या 11 बजे सुबह, तो 8 और 11 के बीच में आइएगा, लेट मत होना नहीं तो मिस हो जाएगा। #RoadTripping with RNM and HGTV18 पे हम आपको टिप्स भी देखें, तो जब आप ऐसी जगह पे आते हैं, स्लो डाउन, बहुत तेज निकल रही गाड़ी, मैं भी एक्सरसाइज करके आना, अभी मेरे बिल्कुल एनर्जी आई हुई है, तो हम आपको टिप देते हैं कि नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे सिस्टम है, लेकिन आप आउटसाइड ऑफ टाउन हो जैसे हमें, तो हमारा अलग सिस्टम है देखने के लिए कि हम हेड ऑफ द क्यू डालते हैं, हम देखें ऐसे करते हैं, वो मैंने किया, इसे भी देखिए पीछे भीड़ लगी हुई है, लेकिन हमारा सारा माल तैयार है। ये सब कुछ नहीं है, वहाँ पे पीछे भात भी है, चार अलग किस्म टाइप के डोसे हैं, मसाला इडली है, बड़े हैं, तो बहुत बड़ा रेंज भी है इनका। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सुबह आइए कुकरहल्ली लेक पे आइए, खूब सारी एक्सरसाइजिंग चीज़ें, थोड़ी कैलोरीज बर्न करिए, और उसके बाद आइए दीपू गाड़ी और थोड़ी सी कैलोरीज ऐड करिए, जैसे रॉकी भैया ने की। बिल्कुल, इतनी कसरत करके सुबह सुबह अपने सपनों में मैं थक सा गया था। तो देखिए जी, फ्लेवर स्ट्रीट फूड का एक्साइटिंग बात यही होती है, जो कुछ बन रहा है आपकी आंखों के सामने बन रहा है, जो कुछ तैयार हो रहा है आपके सामने तैयार किया जा रहा है, एक खुशबू सी भर गई है हवा में, जहाँ पर पहले सुबह लेक और पेड़ पौधों की स्मेल थी ब्यूटीफुल सी, अब इस टाइम पर यहाँ पर मक्खन, इडली, वड़े और डोसे की खूबसूरत स्मेल हवाओं में फैल चुकी है। बस बस कर पगले, रुलाएगा क्या? और देखिए लोग, कितने सारे लोग यहाँ पर आते हैं सुबह, ये इतना पॉपुलर है कि ये एक बन चुका है क्विंटेसेंशियल टेस्ट मैसूर का, तो यहाँ पे आना जरूर जब आप मैसूर आए। सर और कुछ बोलना है? मैं खा लूँ। नाश्ते का टाइम है, नाश्ते के बाद हम बहुत और सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम खा रहे हैं, आप इंजॉय करिए।